हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमके ग्लो जोन। और मैं हूं आपकी होस्ट ममता। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं एक बहुत ही अच्छा सा एक उपाय, जो कि है हमारे फेशियल हेयर से रिलेटेड। फेशियल हेयर किसी के फेस पे कम होते हैं, किसी के पे ज़्यादा होते हैं, किसी के यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं अपर लिप्स पे, किसी के बिल्कुल नहीं होते। बट जिनके होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लाइक हर 10 दिन में या हफ्ते भर में बाल उगाते हैं तो बार बार पार्लर जाना पड़ता है, क्योंकि वो इतने अजीब तरीके से हो दिखते हैं बाल कि अच्छे नहीं लगते फेस पे। बार बार पार्लर जाओ, पार्लर का एक तो खर्चा टॉलरेट करना पड़ता है, दूसरा हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बार बार पार्लर जाएं। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है जो मैं खुद घर पे करती हूँ। घरेलू नुस्खा अगर आपको इसके ऊपर चाहिए होगा तो वो भी मैं आगे अपनी वीडियोस में बना दूंगी, बट स्टिल मैं एक बाहर से ही, मार्केट से ही मैंने खरीदा हुआ है तो वो उपाय है, तो मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। वो है ये वीट की वैक्सिंग स्ट्रिप्स। ये नॉर्मल वैक्सिंग स्ट्रिप्स हैं जो हम अपने हाथों के हेयर रिमूव करने में या पैरों के हेयर रिमूव करने में इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम फेस पे कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या हमें सावधानी बरतनी पड़ती है, ये सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। ओके, तो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, इस वाले बॉक्स के अंदर मिली थी मुझे 8 स्ट्रिप, मतलब इस तरीके की 4 स्ट्रिप मिली थी, जिनको अगर मैं खोलूंगी ऐसे, यहाँ से ये हो जाती हैं तो ये दो हो जाएंगी, एक में दो होती हैं, क्योंकि बीच में इनके लगा होता है वैक्स और ये आपस में चिपकी होती हैं। तो इसके लिए 4 ये मिलती हैं जो ये ओपन होके 8 हो जाती हैं। ओके, इसके साथ ही इसके साथ मिलता है एक जेल एलोवेरा वाइप, मतलब जिससे कि आप अगर कहीं ग्लू वगैरह लग जाता वो है, ये एक एलोवेरा वाइप मिलता है इसके साथ, जो कि आफ्टर वैक्सिंग आपको इस्तेमाल करना होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपने एक भी बार अपने बाल नहीं छेड़े हैं फेस के, कुछ भी नहीं कराया, ना थ्रेड से निकलवाए हैं, ना कभी कटोरी वैक्स से निकलवाए हैं, कोई भी चीज अगर आपने फेस पे अप्लाई नहीं की है ना, तो मत करना। क्योंकि क्या होता है ना, एक भी बार अगर आपने अपने फेशियल हेयर छेड़ दिए तो आपको हर बार वो करने ही पड़ेंगे। क्योंकि वो जब पहले क्या होता है, मैंने आज तक अपने फेशियल हेयर रिमूव नहीं कराए हैं, मैंने सिर्फ अपर लिप्स, आईब्रोज एंड फोरहेड, बस उन्हीं को हमेशा करवाया है। बट कभी भी मैंने यहाँ के, कुछ लोग यहाँ पे जैसे कटोरी वैक्स ऑब्वियसली यहाँ के ही बालों के लिए होती है, तो मैंने कभी भी अपने फेशियल हेयर नहीं छेड़े। तो आज तक कभी भी मेरे जो साइड यहाँ पे हेयर है कभी भी रफ, टफ या ब्लैक नहीं आते हैं, मेरे ये सिर्फ ब्लीच से ही हाइड हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से भी यही चाहूंगी बोलना कि मत करना कभी भी। अगर आपको बाल, अगर आपके फेस पे ज्यादा हार्ड या ब्लैक नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए, वैसे ही आप बहुत अच्छे लगेंगे। ओके, बट अगर आपने छेड़ दिए हैं अपने बाल फेस के, और या थ्रेड के जरिए या वैक्सिंग के जरिए, किसी भी जरिए, तो आपको बार बार बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ही भद्दे लगते हैं देखने में, फिर काफ़ी हार्ड आते हैं और सीधे सीधे आते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे नहीं लगते हैं, इस वजह से उनको रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो मैं बताती हूँ कैसे स्ट्रिप के जरिए आप कर सकते हैं घर पर ही। तो ये इस तरीके की स्ट्रिप्स हैं। ओके, बट आपको उसको कट करना है। ये मैंने यूज कर रखी है इसीलिए मुझे ये आधी है, इसी को कट कर लेती हूँ मैं। तो इसी को मैं कट करके इसी से हम कर लेते हैं। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस है मैं वो ये देना चाहूंगी, कभी भी आपके फेस पर अगर मॉइस्चराइजर लगा हुआ है या किसी भी तरीके की कोई क्रीम है तो उसको प्लीज पहले रिमूव कर लीजिए, या फिर अपने फेस पे थोड़ा सा पाउडर लगा लीजिए। लाइक लूज पाउडर होता है जो, वो आप लगा सकती हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ओके, मैं जैसे मैं आज आपको जो बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे हैं थोड़े हेयर, मेरे बीच में यहाँ पे नहीं आते हैं, बट यहाँ पे कॉर्नर पे मेरे थोड़े बाल आते हैं, 4-5 बाल आते हैं, अगर आपको शो हो रहा है तो मेरे यहाँ पे हैं, तो मैं उसी को आज आपको बताती हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसकी मैं छोटी सी एक स्ट्रिप काट लूंगी। कभी भी इसको ये ना कोशिश करें कि पहले हम इसको खोल लेते हैं उसके बाद इसको कट करते हैं, क्योंकि फिर ये कट नहीं होगी अच्छे से और इसका ग्लू भी कैंची पे भी लगेगा, इधर उधर लगता रहेगा आपके फेस पे भी। तो इससे अच्छा है कि पहले ये डबल ही है अभी,
और मैं इसको कट कर लेती हूँ। इसको मैंने बहुत ही पतला कट किया है। उसके बाद इसको मैं दो में, इसके भी मैं टू ले कर दूंगी। ये मैंने इसके टू कर दिए, ठीक है। इसके बाद पहले इसको आपको वार्म करना है। कभी भी ठंडी वैक्स फेस पे नहीं लगाते हैं, क्योंकि ठंडी वैक्स लगाएंगे एक तो वो पेन ज्यादा करती है, दूसरा ठंडियों में ही ज्यादा ठंडी हो जाती है तो अच्छे से बाल भी नहीं निकलते हैं। तो इसके लिए आपको गर्म करना है इसको, इसको ऐसे हथेली पर रखना है और ऐसे ऐसे आपको इसको गर्म करना है। ओके, इस तरीके से आपको इसको लगाने से पहले गर्म करना है इसको। ओके, अभी मैं इस पर थोड़ा सा, मैंने क्योंकि पाउडर वगैरह लगा रखा है, सॉरी क्रीम लगा रखी है, तो मैं थोड़ा सा पाउडर लगा लेती हूँ इस पर। मैं इस पर कॉम्पैक्ट पाउडर ही लगा रही हूँ। ओके, तो अब मेरा लग चुका है पाउडर। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। इसको अच्छे से थोड़ा सा 1-2 मिनट रब कर लीजिए, ताकि आपका थोड़ा सा ये वार्म हो जाए। फिर इधर ही साइड पे ओपन करने के लिए इनको ये वाइट पेपर दिया होता है, जहाँ पे ग्लू नहीं लगा होता, ये रहा, इससे मैं इसको ओपन कर देती हूँ। ओके, सिर्फ एक तरफ की स्ट्रिप में ले रही हूँ। इसको अच्छे से आपको चिपकाना है। ऐसे अगर रब करेंगे तो आपके जो स्किन पे है ये ढंग से चिपक जाएगा। उसके बाद आपको अपनी स्किन को लूज नहीं छोड़ना है, स्किन को टाइट ही रखना है। टाइट रखने के लिए आपको अपनी स्किन को, ये जो हिस्सा है, इसको पीछे को खींचिए इस तरीके से, ठीक है। और अपने जीभ से इसको सपोर्ट दीजिए ऐसे, और ये साइड से खुला होता है। ये जिस तरफ को आपके बालों की ग्रोथ है, जैसे नीचे की तरफ को है मेरे, तो मैं नीचे की तरफ को खींचूंगी इसको। देखिए, बट ये शो होगा इसमें, ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं आपको। बहुत ही हल्के बाल हैं, तो इस वजह से मैं भी आपको ना पता चला हूं। इसको अच्छे से आपको रब करना है, और जिस भी तरफ को है उसी तरफ को आपको खींचना है इसको। इससे क्या होगा, इसे रिमूव बहुत अच्छी तरीके से होते हैं, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि मैं करती रहती हूँ तो इसलिए मुझे पता है। ओके, रिमूव आपके हेयर बहुत अच्छे तरीके से होंगे। बट मैं अभी भी यही कहूंगी, अगर आपने आज तक अपने अपर लिप्स नहीं बनवाए हैं या आपने हेयर यहाँ के नहीं बनवाए हैं, तो मत करना, कुछ मत करना। ओके, आईब्रो तक ही रखो, कोई जरूरत नहीं करने की, क्योंकि ये सब चीजें ब्लीच से हाइड हो जाती हैं। बट स्टिल मैंने अपनी मैरिज में भी करवाया था, और उसके बाद भी मैं काफी टाइम अपर लिप्स करवाती रही हूँ। ऑफिस जाना पड़ता है, इस वजह से भी थोड़ा फेस डर्टी सा लगता है, बाल वगैरह कहीं दिखते हैं तो इस वजह से मैं करती हूँ। और ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, बहुत ही रीजनेबल है, पैसों की ज्यादा वो ही नहीं, मतलब 100 रुपए की अगर आप स्ट्रिप लेके आते हैं ना, तो सिर्फ यही एक ही स्ट्रिप मैं 6 महीनों से चला रही हूँ, सिर्फ एक स्ट्रिप। अभी आधी लगी है, आधी अभी ये 6 महीने और चल जाएगी, साल भर चल जाएगा। ओके, तो ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता है, बार बार पार्लर जाने की भी टेंशन नहीं रहती है। ओके, इसी तरीके से हम इस तरफ के भी बाल रिमूव कर लेते हैं। ओ, इस तरफ थे, बहुत दर्द भी हुआ। और इसको हमेशा आपको तेज खींचना है, जब भी आप वैक्सिंग करते हैं आपको हमेशा प्रेशर से खींचना होता है। अदरवाइज अगर आप आराम आराम से करेंगे तो बाल भी नहीं निकलेंगे और पेन भी होगा। तो कोशिश कीजिए तेज ही तरीके से इसको निकालिए, इसको अच्छे से ऐसे चिपकाएंगे। तो आपसे बात करते करते देखिए, मेरे पूरे अपर लिप्स भी हो गए हैं। मैं अपर लिप्स ही करती हूँ वैसे, और कुछ नहीं करती हूँ फेस पे। इससे आप, इस वाली स्ट्रिप से आप अंडर आर्म्स भी कर सकते हैं।
बट मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, अभी भी आए हैं बाल, देखो एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, आप स्ट्रिप से अगर करते हैं तो फेस के बाल हटा सकते हैं, बट कभी कोशिश भी मत कीजिएगा, जो वीट की अंडर आर्म्स की क्रीम आती है उसको कभी भी फेस पे अप्लाई मत कीजिएगा, ये सोच के कि वीट की वैक्सिंग स्ट्रिप हम यूज कर सकते हैं और वो नहीं, वो क्यों नहीं कर सकते हैं, तो बट उसको मत कीजिएगा, उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपके फेस को हार्म पहुंचा सकते हैं, तो उसको प्लीज अपने फेस पे यूज मत कीजिएगा जो क्रीम आती है, ओके? और इसको आप फेस पे कर सकते हैं। तो इसके बाद जैसे अगर आपके फेस पे चिपचिपापन हो जाता है इसको लगाने के बाद, क्योंकि इसके अंदर होती है वैक्सिंग, तो ये मिलता है हमें एक, तो इसको हम कट करेंगे, इसके अंदर से निकालेंगे वाइप। एक्चुअली इसमें बहुत ही अच्छा एक, मतलब ठंडा नहीं होता, ये ऑयल तरीके से कुछ लगा होता है, तो इसको हम अच्छे से अपने जो है जहाँ पे भी हमने वैक्सिंग किया है उससे साफ कर लेंगे। इससे पूरा फेस आपका अच्छा हो जाएगा। और अगर ये नहीं है या आपका खत्म हो गया है एक बार अपने हाथों की फिर खत्म हो गया है अगर ये, तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं, ऑयल लगा के फिर पोंछ लीजिए, पूरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो शेयर भी कर देना और लोगों का भी भला हो जाए। ओके, एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।